और थोड़ी देर बाद एक बड़ा जुलूस का कार्यक्रम होगा। इसके बाद से धीरे धीरे जो है लोग चलेंगे, आप देख रहे हैं चुंगी चौराहे पे, और तमाम जो है दूर दूर के लोग आ चुके हैं, और थोड़ा सा समय है और झांकी तैयार है, और एक झांकी वहाँ पहुँच गई है थोड़ा। और देखिए सम्राट अशोक मेले का आयोजन हुआ है, हर साल होता है देखिए, और तमाम लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत भारी संख्या में। दरअसल आपको दिखाते हैं, यहाँ आप प्रतिमा देख रहे हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा। अभी धीरे धीरे यहाँ से होते हुए अशोक नगर की तरफ जो है हम लोग प्रस्थान करेंगे। तमाम पदाधिकारी आ चुके हैं, और जिले के जितने भी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद, लगभग 15-20 मिनट बाद यहां से रवानगी होगी। और देखिए हमारे मौर्य संगठन में अरविंद मौर्य जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, और पद लेते हुए बिना पद के हर प्रकार से सक्षम में काम करते रहते हैं। और आपको दिखाते हैं कि देखिए अभी यहाँ पर धीरे धीरे जो है लोग आ रहे हैं। और भैया आप कहाँ से आए हैं? रामपुर। देखिए भैया रामपुर से क्या नाम पड़े आपके? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मेले में दूर दराज के लोग आ रहे हैं। और चुनी चौरा भैया आप सब कहाँ से आए हैं? रामपुर कटाही। रामपुर कटाही से आए हैं भैया लोग, और जैसा कि सब पता है आज मेला है। हम बरही पार से आए हैं। बरही पार से? विनोद कुमार मौर्य बरही पार से। देखिए मेले में तमाम लोग आ रहे हैं, और इस मेले में बता दें कि बहुत से पत्रकार भाई आए हैं। अभी दो पत्रकार से मुलाकात हुआ, जिसे आजाद वीआईपी न्यूज पूरा कवरेज होगा, आप कल देखेंगे। और आपको दिखा रहे हैं देखिए, हाँ भैया क्या बता रहे हैं? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, और हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं, हम अपने इतिहास को पाने के लिए फिर से। बहुत अच्छी बात है, देखिए भैया बता रहे हैं कि इतिहास को दोहराना है, अर्थात फिर से मौर्य का शासन लाना है। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। भैया आपका नाम पड़े?